हेलो फ्रेंड्स, अरे ये वीडियो और ये वीडियो, आप दोनों वीडियो देख रहे हैं साइड में, परेशान मत होइए। ये जो वीडियो आपने पहले देखी उसी वीडियो को हम इस तरीके से एडिट करते कि वो ऐसी हो जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कैसे, और ये आना भी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन जब आएगा तभी तो आप सीखेंगे कैसे। तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि कैसे हम इस वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। आपको मैं बता रहा हूं कि आपको सेटअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल से ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर आपने ग्रीन पर्दा देखा, आपके पास बस एक पर्दा है ना, तो आपको कोई भी सेटअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेटअप तो खरीदना ही नहीं है, इतना सारा झंझट वगंझट लगाना ही नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन पर्दा है, बस यार इसमें थोड़ी सी दिक्कत है यार, आपके पास लैपटॉप जरूर होना चाहिए। कैसा भी लैपटॉप हो चल जाएगा, लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब आपके पास सेटअप का खर्चा आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक लैपटॉप है जो आपके पर्सनल वर्क के लिए भी और आप इसलिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इस वीडियो में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप मेरी वीडियो खुद ही देख रहे हैं, मैंने भी वीडियो ग्रीन स्क्रीन में ही शूट किए, लेकिन मैंने इस वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में शूट करने के बाद बिल्कुल ऐसे एडिट किया, आपको लग रहा होगा कि ये पूरा मेरा सेटअप है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे लगा के एक अच्छा सा सेटअप बनवाएंगे तभी हम यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे तक जाएंगे। ऐसा नहीं है। चीजें आप कम से कम मनी में कैसे, ये जो पर्दा देख रहे हैं आप, 350 रुपए का ये पर्दा है जो कि मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन। 350 रुपए में इतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, बस आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, फिर बता रहा हूं। अब देखिए करना क्या है, सिंपल से मैं आपको स्क्रीन पे चल के ये सारी चीजें लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, और आपको ये यकीन नहीं होगा कि सिर्फ एक की यूज करने से ऐसा हो सकता है। सिर्फ एक ही की में यूज करनी है और ऐसा हो जाएगा। तो टाइम को खराब ना करते, देखिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी सेकंड नहीं खराब करना। तो जल्दी से चलते हैं हमारी प्रीमियर प्रो की स्क्रीन पे। हमने यहां पर प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं पूरा प्रीमियर प्रो का इंटरफेस है। अब यहाँ पर हमें जहाँ कर्सर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तो मेनली यहाँ से हम कोई सी भी मीडिया को ले लेते हैं, मतलब कोई सी फाइल को ले, जैसे मैंने ये वाला लिया है। अब इसको हमें क्या करना है कि कैसे हम देखिए ग्रीन स्क्रीन को रिप्लेस करके एक ऐसा बना सकते हैं वीडियो कि हमें सेटअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेनली इसको देखिए, इसमें क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, और ड्रैग करके आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। आप देख सकते हैं आपकी सारी चीजें आपको सामने दिख रही है। अब करना क्या है, देखिए मेनली यहाँ पर ज्यादा चीजें नहीं करनी हमें, इसको थोड़ा सा आपको स्क्रोल करके ऊपर करना है, क्योंकि जो लेयर ऊपर होगी वो लेयर हमें आगे दिखेगी, और जो लेयर नीचे होगी वो हमें बाद में दिखेगी। तो हम क्या करते हैं कि इस लेयर को हमने ऊपर कर लिया, ऐसे करना है सिंपल से। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि मेनली आपको पहले जाना होगा कहां पर, आपको पावर पॉइंट में, ठीक है। मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब पावर पॉइंट में आपको क्या करना होगा कि एक आपने जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिए, अभी जो आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली, इसमें क्या करना होगा आपको कि एक आपको अपने क्रोम ब्राउजर से, जैसे मैं होगा सिंपल से इसको कॉपी करना होगा, बस देखिए इसको आपको कॉपी करना होगा और आपको पावर पॉइंट में पेस्ट करना होगा। अब देखिए दिक्कत यहां आती है कि पावर पॉइंट का हम यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट का यूज करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली प्रीमियर प्रो में यहाँ पर कोई भी इमेज पेस्ट नहीं होती है। देखिए फोटोशॉप जो है उसमें हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होती। अब देखिए आपने क्या किया कि बैकग्राउंड ये तैयार कर लिया। अब इसको आपको क्या करना होगा कि फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट में जाना होगा, और यहाँ से आपको चेंज फाइल टाइप में जाकर आपको, या तो आप PNG कर सकते हैं, JPG, मैं मेनली JPG को रेफर करता हूँ, ये करना है। इस पर सिलेक्ट हुआ और आपको सेव एज पे ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेव एज पे गए, यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको किस नाम से सेव करनी है, तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ दीप के नाम से, ठीक है, DEE मेरे नाम। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि ऑल स्लाइड, भले एक है लेकिन यहाँ पर ऑल स्लाइड, और यहाँ पर ओके। अभी आपकी क्या हुई कि ये इंपोर्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। अब आपको प्रीमियर प्रो में जाना होगा, और फिर आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके, डबल क्लिक किया आपने, अब यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट में गए, और डॉक्यूमेंट में आपकी यहाँ पर आ गई है क्या, दीप नाम से आप फाइल देखिए ये आ गई है। अब इसको क्लिक करना है, फिर इसको क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है स्लाइड वन, ओपन करना है, और जब आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको भी आपको ड्रैग करके और सिंपल से इसके नीचे रखना है, ठीक है यहाँ पर, और इसको आपको पूरा यहाँ तक बढ़ा लेना है, समझना बहुत इजी करके बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपने ये बढ़ा लिया, अब आपको मेन चीज यहाँ पर करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए, ये आप यहाँ पे प्रोजेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे मीडिया ब्राउजर दिख रहा है, लाइब्रेरी दिख रहा है, इन्फो दिख रहा है, आपको इफेक्ट में जाना है, और इफेक्ट में जाके ये
सर्च में आपको सिर्फ इतना सर्च करना है ULTRA अल्ट्रा की, तो अपने आप यहां पर देखिए एक अल्ट्रा की दिख रही है, तो अल्ट्रा की पे सिलेक्ट करना है और आपको इसको ड्रैग करके और आपको अपनी सबसे ऊपर वाली लेयर में रखना होगा जिसमें मैं आपको दिख रहा हूं, मतलब कि आपने फोटो वाली नहीं वीडियो वाली लेयर पे। तो ये देखिए वीडियो वाली लेयर पे मैंने इसको रखा और जैसे ही आपने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप किया तो आप यहाँ पर देखिए ऊपर साइड ये पूरा इंटरफेस चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे की कलर आपको दिख रहा है, की कलर के पास आपको जो पेन दिख रहा है इस पेन को आपको क्लिक करना है और पेन आपको क्लिक करके आपको ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक कर देना। और जैसे ही आपने देखिए ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन पे जैसे ही आपने क्लिक किया आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो हट गया। अब देखिए वीडियो प्ले, ये साइड में लाइन इसलिए आ रही क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्ली नहीं एडजस्ट किया था किसमें, हमारे पावर पॉइंट में। अब देखिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ये पार्ट टू वीडियो है, मैंने पार्ट वन वीडियो जो है जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन था ऑटो कैड का जो मैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए दिक्कत ये आती है कि मेनली यहाँ पर कुछ चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट ग्रीन स्क्रीन के कारण अगर बराबर नहीं होती थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो आपकी यहाँ पर फोटो थी आपको थोड़ा सा फोटो को छोटा करते हैं, फोटो को छोटा किया तो आप पीछे देख सकते हो। तो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे वाइट दिख रहा है और भी कुछ चीजें यहाँ पर स्किन के ऊपर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको फिर यहाँ पर आना होगा जहां से हमने पेन सिलेक्ट किया था, आपको मैटे जेनरेशन में क्लिक करना होगा। मैटे जनरेशन में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर मैं रिफर करता हूँ ट्रांसपेरेंसी, हमेशा मैं रखता हूँ 25, हमेशा ट्रांसपेरेंसी को मैं 25 रखता हूं और ये जो पेडेस्ट्रियन है इसको मैनली मैक्सिमम करता हूं, मैक्सिमम जब तक कर देता हूं जब तक कि आप ये पूरी स्क्रीन यहां पे देख रहे हैं ये ब्लैक वाली पूरी तरीके से अच्छे से ब्लैक नहीं हो जाती। अभी खैर ये मेरी लाइट के कारण यहां पे ये व्हाइट वाला पोर्शन आ रहा है तो वो नहीं हटेगा, ठीक है। अगर आपकी ग्रीन स्क्रीन में लाइट का इफेक्ट कम है तो अच्छे से हो जाएगा। और आपको शेडो जो है वो 60 रखनी है, आप इस तरीके से वीडियो आपको बनानी है। अब शेडो आपने 60 कर दी मैनली, बस आपने इतना किया, अब वापिस से आपको इस जो आपको फोटो को वापिस ड्रैग करके यहां तक ले आना। अब आपकी वीडियो जो है वो तैयार हो चुकी अच्छी और आपकी क्लियरिटी लेके आया हूं आप देख तो... सकते हैं। अब ये जो साइड में मेरी वीडियोस के साइड में ये वाली लाइन आ रही है, वो लाइन आने की दिक्कत ये है कि जो हमने ये बैकग्राउंड यूज किया है वो थोड़ा इसकी बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, इस कारण से यहाँ पे व्हाइट लाइन दिख रही है। इस व्हाइट लाइन का दिखने का एक कारण और है कि मैंने यहाँ पर शेडो मैंने यहाँ पर क्या किया कि पेडेस्ट्रियन को ज्यादा इंक्रीज कर दिया। आप देखिए पेडेस्ट्रियन को कम कर दीजिए, पेडेस्ट्रियन को मैं 25 रख देता हूँ इसमें और मैं शेडो को भी थोड़ा सा 50 कर देता हूँ 50। आप देख सकते हैं आप जैसे शेडो को कम किया तो कम हो गया। और तो देखिए ये पार्ट टू वीडियो है, इसमें हम देखिए क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पर ऑटो कैड को देखेंगे स्क्रीन पर और देख सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी और अच्छी आ रही है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी वीडियो आप प्रीमियर प्रो में बिल्कुल 2 मिनट में एडिट कर सकते हैं, कोई बड़ा यहाँ पर वो नहीं है कि कोई बड़ी चीज हमें करनी है, सिंपल से आप इस तरीके से हम अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ऐसी और वीडियोस आप एडिटिंग से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।